करती है और उस खर्च में से भी अधिकांश जो हथियार खरीदते हैं वो इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से खरीदने वाले देशों में से थे, पर अब जो है इंडियन गवर्नमेंट इस पे मेड इन इंडिया के फोकस कर रही है। आप ये देख सकते हैं, एक बजट है सभी कंट्री के डिफेंस का, डिफेंस बजट है जो मिलिट्री पे कितना स्पेंडिंग करते हैं, तो टोटल बजट का जो उसको हर एक कंट्री का जो टोटल बजट है उसका 36% यूएसए करती है और उसके बाद 13% चाइना करती है, 1.5% ऑस्ट्रेलिया, इटली 1.7, साउथ कोरिया 2.2, इसी तरीके से है, जिसमें से भारत का आप देखेंगे 3.3, ये 2016 का डेटा है, 3.3% अपने टोटल बजट का स्पेंड करती थी, जो कि फ्रांस के बजट के बराबर है, जितना बजट परसेंटेज जितना यूज करती है उतना के बराबर। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान से तुलना किया जाए तो ये जो है, ये ब्लू वाला जो लाइन है ये भारत का है और ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला ये पाकिस्तान का है। तो आप देख सकते हैं ये 1980-89 से ये चार्ट है, इसका बजट, पाकिस्तान का बजट यूं ही रहा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, पर इंडियन का जो डिफेंस बजट है इंडिया का, ये जेज कर्व के थ्रू स्पाइक किया, इतना स्पाइक करने के बाद भी कई कंट्री से नीचे हैं। अब इसको, इसके जो डिमांड होंगे, इसको डिमांड, इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये अपना हथियार खुद इंडिया में बनाए, या जो इंडियन कंपनी है, जो इंडिया में कंपनी बनाएगी उससे ही हम हथियार खरीदें और उसी को बेनिफिट पहुंचाए। तो इसी तरीके से जो ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई हुई है और वह मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन, डिफेंस डिजाइन और डेवलप करती है, उस स्टॉक के बारे में देखेंगे, 10 ऐसे स्टॉक को देखेंगे जो हमें आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है और इसके इक्विपमेंट इंडियन डिफेंस में यूज होगा। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज का कटिंग है, न्यूज का कटिंग है HAL BEL डेटा पैटर्न आर इनक्रेड करेंट करेंट टॉप स्टॉक पिक फ्रॉम डिफेंस एंड स्पेस। ये न्यूज वाले भी कह रहे हैं कि ये सब जो कंपनियां हैं आने वाले समय में टॉप परफॉर्मिंग में से होगी, अच्छे परफॉर्म करने वाले में से होगी, और इस पे बोला जा रहा है कि आप नज़र रख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक प्रूफ के लिए ये दिखा दिया, ये डिफेंस सेक्टर की है। हमारी पहली कंपनी है भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स का मार्केट कैप देखेंगे तो ये 22,000 करोड़ है, छोटी कंपनी है, लार्ज कैप नहीं बनी है, लार्ज कैप 30,000 करोड़ की होती तो हो जाती, मिड कैप की कंपनी है। लेकिन ये कंपनी मुझे लगता है आने वाले समय में HAL के बाद जो सबसे बड़ी बेनिफिशियल होगी ये भारत डायनामिक्स होगी। भारत डायनामिक्स क्यों होगी? क्योंकि ये जो है कंपनी भारत डायनामिक्स, ये DRDO की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। भारत डायनामिक्स को DRDO को की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है, इसलिए DRDO जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, जो भी डेवलप करेगी, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा बड़े स्केल पे, वो यही करती है भारत डायनामिक्स। और इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 8.5% इस साल में जो रिटर्न दी है, ये 28-29% का रिटर्न दे दी है। और जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था, जो नीचे गिर चुकी थी, यहाँ से जो इसने एंट्री लिया उसको अभी भी 30-31% का रिटर्न मिल गया है। छोटी मिड कैप की कंपनी, आने वाले समय में हम इससे उम्मीद कर सकते हैं बड़े रिटर्न की, और इसका 5 साल का देखेंगे तो 350% का रिटर्न है और मैक्सिमम देखेंगे तो 212% का। और इसका आप देखेंगे किस तरीके से काम करती है ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक गवर्नमेंट की कंपनी है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, और इसके जब आप देखेंगे तो ये किस सेक्टर के लिए काम करती है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ आपको दिखाई देगा इसके प्रोडक्ट में, यहाँ पे ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसके बाद मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट है, उसके बाद ये लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट है, इस तरह के प्रोडक्ट हैं इसके, डिफेंस में यूज होने वाले हैं ये सब, ये रॉकेट सब, और उसके बाद वेपन्स, एक्स्ट्रा वेपन्स, एयरफ्लो, इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी हमारी कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। अभी इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, पर 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो
पॉजिटिव में ही है, एक महीने में 12% रिटर्न दे चुकी है और 6 महीने में 80% का रिटर्न। और इसका एक इस साल तक का रिटर्न देखेंगे तो ये 74% का रिटर्न दे चुकी है और एक साल में इसका 162% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 775% का रिटर्न है और मैक्सिमम देखेंगे तो 723% का रिटर्न है। और इसका जब देखेंगे तो ये कंपनी जो बनाती है ये इस टाइप की ये बनाती है, सिप बिल्डर्स के नाम से ही पता लगता है कि क्या बनाती है, सिप बनाती है। और अच्छे इसके पास ऑर्डर है, ऑर्डर बुक है और अच्छे ये मार्जिन के साथ काम कर रही है, जिससे हमें आने वाले समय में अच्छे, ये बिजनेस क्लास की प्लस डिफेंस क्लास की दोनों के लिए ये काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस मेंटेनेंस करती है, तो ये हमें आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। दूसरी हमारी इसी तरह की दूसरी कंपनी है, बड़ी कंपनी है उससे, जो डिफेंस में शिप बिल्डर्स में हमारी फेवरेट है और ये बड़ी कंपनी है, लगातार रिटर्न दी है। इसका 6 महीने का रिटर्न देखें 140% का, क्या गजब का रिटर्न दी है और लगातार भागी है। और अभी तक में इसमें 155% का इसी साल में रिटर्न देती है और एक साल का 120% और 5 साल में देखेंगे 1100% का रिटर्न दे दिया है। 5 साल इस कंपनी को हुआ नहीं है, 2020 में ही कंपनी आई है और 1100% का रिटर्न दी है, जबरदस्त रिटर्न दी है। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे ये किस तरह की प्रोडक्ट बनाती है, किस तरह की काम करती है, तो ये इस तरह की कॉमर्शियल प्लस डिफेंस सेक्टर के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके पास जो ऑर्डर बुक है वो आपको इससे भी बड़ी है, ये जो गार्डन रिच कंपनी है इस गार्डन रिच से भी बड़ी ऑर्डर बुक इनके पास है, तो ये भी एक बड़ी रिटर्न देने में सक्षम है, फ्यूचर में देगी। दूसरी हमारी जो फेवरेट कंपनी है एवेंटेल इंडिया, बड़ी ज़बरदस्त रिटर्न इस सबसे स्टॉक से अधिक रिटर्न दिया, देख सकते हो आप 270% का रिटर्न दिया, इस तरीके से भागी है कि ऐसे लगता है रॉकेट लग गया हो। 313% का रिटर्न दे दिया है एक साल में और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे 3500% का। इस तरह का रिटर्न बहुत कम कंपनियां देती है, ना के बराबर, और मैक्सिमम देखेंगे तो 22,000 से ऊपर का रिटर्न दे चुकी है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 22,000 का रिटर्न दी है, लेकिन जो मेन रिटर्न इसने दी है पिछले 5 सालों में दी है उससे भी कम जो है ये परफॉर्म की है। 3,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, छोटी कंपनी, लगातार भागी है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस बनते हैं, हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी रिटर्न देगी। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये देख सकते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये इस तरह का प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी टू मेक वर्ल्ड बेटर है। इसके बाद क्या क्या ये करती है, तो इसके लिए करती है एयर स्पेस एंड डिफेंस के लिए करती है, मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद ये कस्टम इनोवेशन सॉल्यूशन भी करती है, हेल्थ केयर के लिए भी बनाती है। तो और इसके जब आप देखेंगे कौन कौन से इसकी कंपनियां इससे प्रोडक्ट खरीदती है, तो ये है बोइंग खरीदती है, लॉकहीड मार्टिन खरीदती है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, DRDO, रेलवे, ये सब कंपनियां, इसरो, ये सब कंपनियां इससे खरीदती है। ये भारत डायनामिक्स भी इससे इक्विपमेंट खरीदते हैं, जो बड़ी बनाती है तो छोटे छोटे इक्विपमेंट यहीं से खरीदती है। तो एवेंटेल एक बड़ी कंपनी है फ्यूचर की, जो हमें बहुत बड़े रिटर्न देगी और दे सकती है। उसके बाद है हमारी तनेजा एरोस्पेस, एरोस्पेस की कंपनी, एक साल में 135% रिटर्न और 5 साल का रिटर्न देखेंगे 833% का रिटर्न दी है, बड़ी रिटर्न दी है। और इसका आप देख सकते हैं तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन के लिए मेनली काम करती है ये, और सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस तरह के। इसके जब इसका वर्क देखेंगे तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करती है और मेनली ये पब्लिक सेक्टर के लिए है। दूसरी हमारी है डेटा पैटर्न भी एक अच्छी कंपनी है, जो एवेंटेल है उसी की तरह की कंपनी है, 1 महीने में 10% की रिटर्न दे चुकी है, 6 महीने में 20% और इस साल में देखेंगे तो 82% की रिटर्न दे चुकी है। इतने गिरने के बाद, इतने नीचे गिर चुकी थी तब भी 82% का रिटर्न दे चुकी है, और एक साल में 51% और 5 साल में देखेंगे 171%। और कंपनी को अभी 5 साल हुए भी नहीं है, 2021 में आई है, तो 2021 से अभी तक में इतने परसेंट का रिटर्न दे चुकी है। मार्केट कैप 11,500 करोड़ की कंपनी है, आने वाले समय में बड़े रिटर्न दे सकती है। और इसके प्रोडक्ट देखेंगे किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो ये सब इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब ये बनाती है, ये
ये सब प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद हमारी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी, 6 महीने का रिटर्न देखेंगे 32%, साल भर का रिटर्न देखेंगे 19-20%, एक साल में 15-16% के, और मैक्सिमम देखेंगे तो 44-45% का रिटर्न दी है। और ये कंपनी 2021 में आई है, जब आई थी उसके बाद ये रॉकेट लग गया था, किसी को एंट्री नहीं मिल रहा था, ये कंपनी लगभग महीने भर से अधिक तक किसी ने एंट्री नहीं लिया, कि मिलता ही नहीं था, अपर सर्किट लगा हुआ था, उसके बाद जो गिरी तो गिरते रह गई। और जिसने यहाँ पर एंट्री लिया उसे अभी भी रिटर्न है 55% के आसपास। तो जब गिरे हुए शेयर में जिसने एंट्री किया उसे प्रॉफिट बना है। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये हैवी इंजीनियरिंग डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये EMP इक्विपमेंट और नीच टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। उसके बाद हमारी है एमटार टेक्नोलॉजी स्पेस और डिफेंस दोनों के लिए काम करती है, 6 महीने में 18%, इस साल में इन्होंने दिया 37-38%, और एक साल में देखेंगे 29% से अधिक का, और 5 साल में 120%। और कंपनी को 5 साल अभी हुआ भी नहीं है, 21 में आई है, मार्केट कैप 7,000 करोड़ से भी नीचे है कंपनी, इसमें भी बहुत अच्छी अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए भी काम करती है, और उसके बाद ये इसरो के साथ मिलकर काम करती है, और उसके बाद और भी ये ड्रोन बनाती है, डिफेंस ड्रोन कंपनी। तो इसके आने वाले समय में अच्छे चांसेस हैं कि ये कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छे इसके इसके पास ऑर्डर बुक रहेंगे। जो सभी डिफेंस कंपनी में फेवरेट है और सभी डिफेंस कंपनी में से सबसे ज़्यादा रिटर्न दी है वो है इंडियन हिंदुस्तान एरोस्पेस HAL, 6 महीने में 55%, इस साल में रिटर्न देखेंगे 93, और एक साल में 77% का, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे 550% का रिटर्न। और कंपनी 2018 में आई है, ज़बरदस्त रिटर्न दी है, इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ की है, पर 1.5 लाख करोड़ भी छोटा ही है। आने वाले 5 से 10 साल में ये कंपनी 5 लाख करोड़ से भी बड़ी हो सकती है, 10 लाख करोड़ की भी हो सकती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में आपको पता है, ये लड़ाकू विमान बनाती है, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर बनाती है, और भी कई तरह की प्रोडक्ट बनाती है। और इसका जो तेजस है अभी सबसे ज़्यादा फेमस है, तो तेजस इसकी HAL की ही प्रोडक्ट है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। जिसके जैसे जैसे इसके डील्स होंगे इसके स्टॉक में रॉकेट बनेगा और ये बूस्ट करेगा इसका। दूसरी हमारी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गवर्नमेंट कंपनी, 6 महीने में 30%, इस साल में भी अभी तक में 40-47%, और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे 451%, लगातार अपर सर्किट ही अपर ही गया है, ग्रोथ दिखाया है, और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। मैक्सिमम रिटर्न इसका 66,000% का रिटर्न दे चुकी है, और अभी 1 लाख करोड़ की कंपनी ये बन चुकी है, बहुत अच्छे रिटर्न दी है, पर अभी शुरुआत है, क्योंकि अब मेक इन इंडिया में स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।